नासिर हुसैन उस्ताद जो मैडम एमएलए बनकर उतना काम नहीं करे होंगे, इन्होंने दो बार हार के भी उतना काम करे हैं, तो जीतने के बाद नहीं करते। आपको डायरेक्ट कॉल करते, नासिर सर खुद आते, क्या मसला है भी क्यों पकड़े मुसलमान बच्चों को बोल के। ये कोई बच्चे रहते हैं पुलिस वाला उनको पकड़ते, मैडम को आप कॉल करो, हाँ मैं बेंगलुरु में हूँ, आतू रुको बोलते, ये आने तक सब हो जाता, बच्चा जेल में चले जाता। तो हम लोगों को जरूर है कि दूसरा कमर साहब बनाना बहुत जरूरी है, बेमतलब है ना वोट डालना आप लोगों का, तो इसीलिए ये मतलब ये आप लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट डालना है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन, इंटरक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9, एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्ग। आप लोग के दिमाग में एक बात बैठी सो है कि हाथ को छोड़ डालना बोलकर, एक सिंबल बैठा सो है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। वो खमर साहब के साथ वो हाथ भी चले गया और 5 साल में, और मैडम क्या करे आप लोग देख रहे ना, गारंटी कार्ड की बात रही उनकी, अगर मैडम यहाँ से हारो या जीतो गारंटी कार्ड का उसकी क्या भी मकसद नहीं है उसका, मैडम अगर यहाँ से हारे भी तो हुकूमत उनकी बनती तो आप लोगों को मिलता। अगर मैडम यहाँ से हारे भी ना तो स्टेट लेवल में अगर हाई कमांड के पास अगर उनकी हुकूमत बनती, मैडम हारने के बावजूद भी अगर वो स्कीम देना ही है तो आप लोगों को मिल जाते। तो हाथ को ओढ़ डाले तो मिलता बोल के ऐसा नहीं है, और ऊपर से ये गारंटी भी नहीं है कि 2000 रुपये आते बोलकर। फलाने आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स में एक वर्ड्स की भी अगर उसमें मिस्टेक रही तो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जाता नहीं। अब ये बड़ी लेडी को देते गए, वो बड़ी लेडी जाने से रही वहाँ पे बार बार फिर के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से, एक बार दो बार जाते ये नहीं होने का काम है, छोड़ दो बोल के घर में बैठते। तो ऐसा को जिता के फायदा क्या है, बेमतलब है ना वोट डालना आप लोगों का, तो इसीलिए ये मतलब ये आप लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट डालना है। फर्स्ट बटन जाते ऊपर हाथ कर रहता, उंगली दबा देते हाथ को दिए बोल को, कुछ भी समझ में नहीं आता, एक्साइटेड रहते, अंदर जाते हाथ को बटन दबाते निकल जाते वहाँ से। इस बार वैसा नहीं करना है, हम लोग आपके बीच में फिर से आते, फिर से पोस्टर्स लेके आते, कैसा डालना, कौन सा हमारा सिंबल है, कौन सा निशान दबाना, कौन सा नंबर पे आता आपको बताते, तो आप लोग बिल्कुल एक मुत्तहिद होकर रहकर नासिर सर को एक बार जिदा कर लाइए। खमर साहब फिर दोबारा उठ के आने वाले नहीं है, तो हम लोगों को जरूर है कि दूसरा खमर साहब बनाना बहुत जरूरी है। कल के दिन आप लोगों के कोई बच्चे रहते हैं पुलिस वाला उनको पकड़ते, मैडम को आप कॉल करो, हाँ मैं बेंगलुरु में हूँ, आतू रुको बोलते, ये आने तक सब हो जाता, बच्चा जेल में चले जाता। वहीं अगर यहाँ पे नासिर सर रहते तो कॉल करते इमीडिएट, उनको मेजोरिटी की, उनके पीए की, उसकी किसी की भी जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट कॉल करते, नासिर सर खुद आते, क्या मसला है भी क्यों पकड़े मुसलमान बच्चों को बोल के। ये काम मैडम कर सकते क्या आप, तो वही तो बोलूँ मैं, ये बार अगर वोट डालना है तो बहुत सोच, फर्स्ट ऊपर हाथ का बटन रहता, जाना दबाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, फर्स्ट सोचना हम किसको, पार्टियाँ भी रहते हाथ सिंबल भी रहता सब रहता, शख्सियत को भी देखना हमारी ये है, हमारा सोच है, हम सोचना पहले शख्सियत को देखना कौन कितना काम कर रहा। नासिर हुसैन उस्ताद जो मैडम एमएलए बनकर उतना काम नहीं करे होंगे, इन्होंने दो बार हार के भी उतना काम करे हैं, तो जीतने के बाद नहीं करते। बोलते कांग्रेस में लोग मैडम के पास लेडीज बहुत ज्यादा है, पूरे लेडीज मैडम के फॉलोवर है, लेडीज है, तो आप लेडीज मैडम के साथ है, तो आज लेडीज नासिर सर के साथ भी है, लेडीज नासिर सर के, आप लोग लेडीज ही है ना, तो नासिर सर के साथ भी है। तो इस बार मुत्तहिद होकर सिंबल को देखकर, खायद को देखकर, सोच समझ कर, पार्टी को मत देखो, सिंबल को मत देखो, एक शख्सियत को देख कर जिताना है आप लोगों को। आप लोगों के फ्यूचर का है, आप लोगों के आने वाली नस्लों का है। अब देख रहे ना 4% रिजर्वेशन कैंसिल करें मुसलमान का, और गोश्त की दुकानें बंद करें, हमारी मस्जिद की हिफाजत कौन करें, नासिर हुसैन उस्ताद करें। अलन के मसले में इतना बड़ा इशू हो गया, हम लोग पूरे पूरे सोशल एक्टिविटीज, ये लोग सब लोग थे वहाँ पर, वहाँ पर कौन आए, मैडम तो उस वक्त परमिशन दे दे बेंगलुरु को चले गए, नासिर हुसैन उस्ताद ही वहाँ पर थे, हम लोगों के ऊपर भी केस हो सकता था, हम लोग भी जेल जा सकते थे। वहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कायद वहाँ पर थे। एक हारा हुआ शख्स ये कर सकता है, तो जीतने के बाद क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग भी एक लेडीज है, मैडम को लास्ट टाइम लेडीज जिताए थे, अब ये बार भी लेडीज ही लास्ट सर को जिताना है। एक बार मौका देकर देखो, एक बार जीतने के बाद देखो, एक बार 5 साल आप उनके वोट डाल के 5 साल जिताएंगे तो इंशाल्लाह 15 साल वो आप तक रहेंगे।